सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज दोस्त एंड होस्ट PP30 वाला, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स टाइम टू राइड अवर बाइक टुवर्ड्स होम, और यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। रास्ता है 500 किलोमीटर। टाइम सुबह के 9 बज चुके, 8 बजे निकलना था, एक घंटा देरी से हम लोग, बट ऐसा ना पहाड़ों से जाने का मन नहीं करता। तो इसको कहते हैं वार्म अप जल्दी से, और सामान को बांधते हैं बाइक पे और निकलते हैं। सामान को तो हमने बांध लिया, अभी टाइम हो चुका है इस खूबसूरत सीन को अलविदा बोलने का, तो चलो चलते हैं। इस बार ये बाइक इतना लोकल चला ना, लगभग इसने 100 किलोमीटर की राइड तो लोकल ही कर दी है। शौक तो सबको होता है ना। वैसे देखो, ये बाइक भी हमारी है, एक्सपल्स भी हमारी। मैं यहाँ पे आके एक्सपल्स चला रहा हूँ, बट भैया इसको चला रहे हैं बिकॉज उसका भी मन करता है इस बाइक को चलाएं। वो तो यहाँ नीचे की तरफ होते हैं, तो फाइनली उनसे मिल के आ गए हैं। तो भैया अभी सो रहे थे तो मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, जस्ट किया उनको बाय बाय बोला और निकला हूँ अपने सुंदर सफ़र के लिए। अभी ना थोड़ा कोई ना कोई रेस्टोरेंट ओपन देखेंगे यमुना पुल के आसपास कहीं पे भी, तो ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज खाना अंदर जाएगा तो बाइक चलाने में मज़ा आएगा ना। तो इसीलिए बाइक को मेरा जस्ट 25-30 पे उतार रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ घर पे, किस लिए जा रहा हूँ, बट जाना तो पड़ेगा ही। बट फिर भी मन बिल्कुल भी नहीं है कि घर जाऊँ। ये है यमुना पुल, यमुना ब्रिज, और ये है यमुना नदी। तो अभी ना मुझे एक बात याद आई है कि जो मैंने एक्शन गेम की दूसरी बैटरी थी ना, उसको मैंने चार्ज लगाया था रूम पे, और वो आ चुके हैं रूम पे ही। तो हमारे पास सिर्फ है एक बैटरी, और ये खूबसूरत सीन आप यहीं पे देख लो बिकॉज पहाड़ों की वीडियो ही बनाएंगे ज़्यादा, प्लेन में तो सिर्फ वीडियो को एंड करेंगे बिकॉज ज़्यादा टाइम भी नहीं और बैटरी भी नहीं है। बाकी सीन देखो कितना खूबसूरत है यार। और इन सीन्स को छोड़ के जाने का मेरा तो क्या, आप सभी में से किसी का भी मन नहीं करता होगा कि मैं इन सीन्स को छोड़ कर जाऊँ। रास्ते में यमुना नगर में अपने अंकित भैया, उनसे भी मिल सकता हूँ। ये रोड इतना खूबसूरत लगता है, दोनों तरफ ये पेड़ देखो, जुड़ा हुआ पेड़, कितना खूबसूरत से सीन लगता है। तो हर बार इस रोड पे मैं स्टोरी डालता हूँ, और आते टाइम भी डाली थी, और इंस्टा पे रील भी डाली है। इंस्टाग्राम ID @PP30 वाला रजत, तो वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। देखो यार कितना खूबसूरत रोड है ना, मज़ेदार रोड, पहाड़ों के बीच में से रोड, इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ा, और बीच में से सीधा रोड। क्या बात। सो पहाड़ ख़त्म, ये सिर्फ एरिया रह चुका है, यहाँ से पौंडा साहिब रह चुका है 15 किलोमीटर के आसपास। अभी यार अकेले का ना ये भी बड़ा पंगा, अकेले बंदे का रुकने का मन भी नहीं करता है कहीं पे। अभी मेरे साथ कोई भी होता तो हम लोग यहाँ पे रुकते, कुछ खाते, कुछ पीते, जाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अकेले बंदे का मन ही नहीं करता, पीछे इतने ढाबे निकले, फिर सोचते हैं कि थोड़ा और चला लेते हैं। तो यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो जाएंगे टुवर्ड्स सहारनपुर, लेकिन हम जाना है पौंटा साहिब, तो हम लेंगे राइट टर्न टुवर्ड्स पौंटा साहिब, और पौंटा साहिब 11 किलोमीटर। अभी ना कुछ यार खाएंगे अच्छा सा, उत्तराखंड को ऐसे तो बाय बाय नहीं बोलेंगे बिना कुछ खाए तो। यार मिला जिसका नाम पढ़ के मुझे रुकने का मन किया, ये है बेवफा चाय वाला। तो बेवफा चाय वाले के पास रुकते हैं, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। सरदार जी पंजाबी ढाबा, तो ये बेवफा चाय वाला। तो अभी हम रुके थे बेवफा चाय वाला पे, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए पराठा और चाय ऑर्डर कर दिया। यमुनानगर की तरफ अंकित भैया को मिलते हुए जाएंगे पौंडा साहिब, जैसे ही क्रॉस करेंगे यमुनानगर वाला रूट लेंगे तो अंकित भैया को करेंगे कॉल। ये था बेवफा चाय वाला, प्रेमी जोड़ों के लिए 20 रुपये की चाय, प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपये चाय, और अभी जा रहे हैं यहाँ से। सो लेट्स गो, फ्रेंड जॉन सैंडविच, बेवफा चाय वाला को बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं टुवर्ड्स पौंटा। और पौंटा रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर, हमने पी चाय। अरे भैया क्वालिटी ऑफ फूड तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो फार अंकित भैया से मेरी अभी बात हुई है, जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो अंकित भैया का कॉल आया कि भैया आप कहाँ रह गए हो, कब आ रहे हो मसूरी से। मैंने बोला कि अभी स्टोरी डाली है कि हाँ मैं निकल चुका हूँ मसूरी को, बार बार बोल दिया गया है।
तो बोले कि कब तक आओगे। मैं बोल रहा हूँ उनको कि एक डेढ़ घंटे में मैं यमुनानगर के आसपास पहुँच जाऊँगा, तो फिर आपको पास में आकर कॉल करता हूँ कि कहाँ पे प्लान करते हैं। तो वो है पांडा साहिब गुरुद्वारा, और जैसे ही ये पुल क्रॉस होगा हम लोग होंगे हिमाचल में, हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब। इट्स टाइम टू लीव पांडा साहिब और लेंगे लेफ्ट टर्न। सो इट्स टाइम टू लीव हिमाचल। पहुंच चुके हैं जगाधरी में, यहाँ अंकित भैया आगे खड़े हुए हैं 2-3 किलोमीटर आगे। अंकित भैया के घर पे जो टायर डाला हुआ ना, इतना वाइड टायर है ना, मजा आ रहा है देखते ही कितना वाइड टायर डाला हुआ है। और घर जा रहे हैं इनके, पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये बोले कि नहीं नहीं आप इतनी दूर आए हो तो घर पे तो होकर ही जाओ। चलो मैं कह ये भी ठीक है, एक बार मिलना हो जाएगा तो अगली बार तो जब मन किया तभी आया करेंगे। नाइस टू मीट यू टू। चलो ओके बाय। तो चलो अंकित भैया को मिलके लगा बहुत अच्छा, उनके घर पे बैठे उन्होंने चाय पिलाई, खाना खिलाया यार। और भाइयों का प्यार नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए। और ये फील आता है ना कि आप कहीं से गुजर रहे हो और अननोन पर्सन आपका नॉन बन जाता है, आपसे एक साल तक लगातार इंस्टा पे ऐड रहता है और लगातार आपको फॉलो भी कर रहा है, आपकी स्टोरीज देख रहा है, आपके साथ बातें कर रहा है, लेकिन सिर्फ राइड नहीं कर पा रहा है। उसके रीजन था कि टाइमिंग इशू आते हैं। अभी मेरी राइड थी, इनके पास टाइम नहीं था, इनकी राइड होती है मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन 100 बार हमने जो भी राइड की मज़ा आया राइड करके, और भैयों को मिलके भी मज़ा आया। इन्होंने घर पे जो वेलकम किया उसका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ही चाहिए। थैंक यू सो मच अंकित भैया। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना प्यार भरा यार। तो बस इसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं। कैमरा की बैटरी डाउन हो चुकी है, दूसरी बैटरी मेरी रह चुकी है, मसूरी में अगली बार लेंगे। बट मज़ा आया, आपको भी होप सो आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। अगर आगे रिकॉर्डिंग होगी तो आप लोगों को दिखाएंगे, अदरवाइज़ घर को चले जाएंगे। बट कोई नहीं यार, जो भी होता है छगली होता है, वो बैटरी वहाँ पे रहनी है, अब मैं उसको लेने के लिए एक राइड कर दूंगा। तो हम लोग ना पटियाला पहुँच चुके हैं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और इस चैनल को करना सब्सक्राइब। हम लोग पटियाला पहुँच गए, यहाँ से 3 घंटे की राइड रह चुकी है और 3 घंटे बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे।